भाई साहब पधारे हैं हमारे यहाँ उदयपुर से, आगे जाड़ोल है वहाँ से आए हैं और मशीन लेने के लिए आए, पानीपुरी का मशीन। नाम बताएं सर आपका? दिनेश प्रजापत। अच्छा अच्छा अच्छा, तो प्रजापतों में ये पानीपुरी का धंधा ज्यादा है, भंटके मटकी का काम छोड़ दिया, पुस्तैनिक वो छोड़ दिया। अच्छा अच्छा, तो आप कितने समय से धंधा कर रहे हो? ये 12 ये 13वां साल चल रहा है। 13वां साल? अच्छा अच्छा, तो ये पानीपुरी के धंधे में प्रॉफिट कितना है, कितना परसेंट, 3% या 50%, कितना होता है? तो इसमें कुछ कह नहीं सकते, बहुत कुछ मिल भी जाता है, किस समय नहीं भी मिलता, मतलब 50% मिल जाता है। 50% मिल जाता है, बोले तो 4000 का धंधा हो तो 2000 रुपये अपने मिलते हैं मिनिमम मिनिमम, ये अपना इसका कैलकुलेशन रहता है। अच्छा, घर का काम करो, बढ़िया दिमाग से काम करो तो और ज़्यादा पैसे बचते हैं। अच्छा, ये 12 महीना चलता है बिजनेस? हाँ, 12 महीना। अब यहाँ क्या लेने के लिए आइए बताओ? ये मशीन लेने के लिए। कहाँ पर देखी आपने ये? मैंने पहले फोन पे देखी, फिर सीरियस देखी उदयपुर में, मैंने खुद बनाई भी है। उदयपुर में कौन से, किसके यहाँ देखी? उदयलाल मीना के बाप। उदयलाल मीना? मीना, हाँ। अच्छा, तो प्रतापगढ़ साइड। अच्छा, प्रतापगढ़ का साइड का है और वहाँ धंधा करता है। तो वहाँ आपने प्रैक्टिकल देखा, इसको चला के देखा? नहीं, चला के देखा। अच्छा, चला के देखा कैसे क्या हो रहा है, काम ओके कैसे है, एक नहीं है? घर पे लेके गया इसको, 5-6 दिन रखी मैंने। हाँ। 2-3 बार आटा भी ट्राई किया, 1-2 बार बने, लेकिन सही आटा वाटा लगाने के एकदम क्वालिटी बनते, फिर क्वालिटी बनती है एकदम सॉफ्ट पता, सॉफ्ट पता। अच्छा अच्छा, दिल से कह रहे हो कि हम कहला रहे हैं आपको? नहीं नहीं, दिल से कह रहे हैं। दिल से कह रहे हो? दोस्तों, हमारा काम क्वालिटी का है, आपको परमानेंट यहाँ से मशीन लेने के बाद एक कंप्लेन नंबर मिलेगा, उसमें हम लाइफ टाइम आपका सपोर्ट करेंगे। मेरे यहाँ सिस्टम पूरा अलग है, आपको किसी भी प्रकार की समस्या है धंधे में तो हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पर तुरंत कॉल कर लेना, फोन कर लेना। और पानीपुरी का मशीन लेना है, आटे गूंदने का मशीन लेना है, नमकीन का मशीन लेना है, तुरंत फ़ोन कर लेना स्क्रीन पे दिए नंबर पर। और आपको अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना, क्योंकि तरह तरह के वीडियो मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।